यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिया ब्लॉग्स पर। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं गया जंक्शन, बिहार का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन। दोस्तों, आपको यहां के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी देने वाला हूं, तो बने रहिए इस चैनल पर। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम गया जंक्शन के कैंपस में प्रवेश करते हैं, गेट के दाईं ओर आपको एक बहुत बड़ा पार्क दिखेगा, जहाँ पर हमारे देश का झंडा तिरंगा शान से लहरा रहा होता है। दोस्तों, कैंपस के अंदर में ही आप देख सकते हैं पार्किंग का स्थान बना हुआ है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमें गया जंक्शन का नज़ारा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों चलिए, अब हम प्लेटफॉर्म के अंदर प्रवेश करते हैं और आप सभी को अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों, गया पूर्व मध्य रेलवे जोन के मुगल सराय रेल मंडल के अंतर्गत आता है। हावड़ा और नई दिल्ली को जोड़ने वाली ग्रैंड कार्ड रेल मार्ग गया से होकर गुजरती है। यह दिल्ली की तरह मुगल सराय जंक्शन और हावड़ा की ओर धनबाद जंक्शन के बीच स्थित है। दोस्तों, आप देख सकते हैं दीवार पर भगवान बुद्ध की कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियों का स्टॉल भी लगा हुआ है। दोस्तों, अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। दोस्तों, गया जंक्शन अधिकांश राज्यों से जुड़ा हुआ है, बहुत ही कम ट्रेनें होगी जो यहाँ नहीं रुकती होगी। स्टेशन से दो अन्य ब्रॉडगेज लाइनें, एक पटना के लिए और दूसरी किउल जंक्शन के लिए भी है। शहर में गया जंक्शन और मानपुर जंक्शन दो प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। यह पटना, जहानाबाद, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, नवादा से दैनिक यात्री और एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ हजारों श्रद्धालु पिंडदान के लिए जुटते हैं, जिसके कारण यहाँ यात्रियों की आवाजाही काफ़ी बढ़ जाती है। दोस्तों, गया जंक्शन में 9 प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म नंबर 10 का निर्माण चल रहा है। एक तीर्थयात्रा प्लेटफॉर्म भी है, जहाँ तीर्थयात्री ट्रेन भी रुकती है। प्लेटफॉर्म फुट ओवर ब्रिज के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों चलिए, अब हम एस्केलेटर से ऊपर चलते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर रैंप भी बना हुआ है, ताकि यात्रियों को कोई भी असुविधा ना हो। यहाँ से आप सामान बहुत ही आसानी से ले जा सकते हैं। दोस्तों, ऊपर से स्टेशन का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 9 तक आपको मिल जाएगा।
देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं कि हम तो आस पास साथ में और रात साथ बात करें। दोस्तों अभी हम प्लेटफॉर्म के बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं और आप बाहर के दृश्य देख सकते हैं। दोस्तों आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा। चलिए दोस्तों अब हम एस्केलेटर से नीचे की ओर उतरते हैं। दोस्तों अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दोबारा आ चुके हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बाय फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।